नमस्कार, चलिए बात करते हैं पीएनबी वन पर। पीएनबी वन जस्ट वन ऐप। सर, ये पीएनबी वन क्या है? मैडम, पीएनबी वन एक मोबाइल ऐप है जो आपकी सारी बैंकिंग जरूरतों को एक ही ऐप के जरिए उपलब्ध कराता है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है। कभी भी किसी को भी एफर्टलेसली फंड ट्रांसफर आप इसके जरिए कर सकते हैं और अपने सारे कार्ड्स को मैनेज भी कर सकते हैं। सर, क्या इसके द्वारा हम अकाउंट भी खोल सकते हैं? बिल्कुल, आप इसके जरिए एफडी या आरडी अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और साथ ही अपने एम पासबुक जो इसके अंदर ही उपलब्ध है उसके माध्यम से अपने खाते की डिटेल्स भी देख सकते हैं। स्कैन एंड पे फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल है। पीएनबी वन ऐप में फिंगरप्रिंट लॉगिन की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा पीएनबी वन में और भी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं, जैसे पीपीएफ अकाउंट ओपन, लॉकर रिक्वेस्ट और भी बहुत कुछ। ये तो बहुत ही बढ़िया ऐप है, लेकिन मेरे पास आईफोन है, क्या मैं इस ऐप का इस्तेमाल आईफोन में भी कर सकती हूँ? बिल्कुल, ये ऐप दोनों ही प्लेटफॉर्म यानी एंड्रॉइड के प्ले स्टोर और iOS के ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। सर, ये बताइए पीएनबी वन को यूज करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी और ये ऐप कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है? अरे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये ऐप बहुत ही यूजर फ्रेंडली है और सिक्योर्ड भी है। इसमें रजिस्टर करने के पहले आप अपना डेबिट कार्ड और उसका पिन तैयार रखें। सर, एक बात और बताइए, पीएनबी वन यूज करने की क्या रिक्वायरमेंट है? इसके लिए तो केवल तीन ही चीजों की जरूरत है। पहला, आपका एक सेविंग या करंट अकाउंट एसएमएस अलर्ट सर्विस के साथ पीएनबी में होना चाहिए और उस खाते का डेबिट कार्ड भी होना चाहिए। और दूसरा, पीएनबी वन आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाले सिम से ही डाउनलोड करें। और तीसरा, आपका अकाउंट केवाईसी कंप्लायंट भी होना चाहिए। सर, अब आप पीएनबी वन ऐप में रजिस्ट्रेशन का तरीका बताइए। बहुत ही आसान है। सबसे पहले न्यू यूजर पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको यूजर आईडी एंटर करना होगा। आपका कस्टमर आईडी ही आपका यूजर आईडी है। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन स्क्रीन होगी उसको पढ़कर कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। अब अपना 16 डिजिट का अकाउंट नंबर एंटर करें। प्रेफर्ड मोड ऑफ ऑपरेशन का चुनाव कीजिए। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया है उसे एंटर कीजिए। अब अपना डेबिट कार्ड नंबर और डेबिट कार्ड पिन एंटर करके सबमिट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद अपना साइन इन और ट्रांजेक्शन पासवर्ड सेट कीजिए। ध्यान दीजिए कि पासवर्ड 6 से 28 कैरेक्टर का ही हो सकता है और इसमें अल्फा न्यूमेरिक और एक स्पेशल कैरेक्टर का होना भी जरूरी है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुली का मैसेज डिस्प्ले होगा, जिसका अर्थ है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। अब आप साइन इन पर क्लिक कीजिए और अपना 4 डिजिट का एम पिन सेट कीजिए। एम पिन सक्सेसफुली का मैसेज जैसे ही आएगा उसके बाद आप पीएनबी वन की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। सर, बस इतना ही? ये तो बहुत ही आसान है। इसके बाद क्या मैं पीएनबी वन की सारी सुविधाओं को यूज कर सकती हूँ? बिल्कुल, अब पीएनबी वन आपकी सेवा में हाजिर है और ये आपको एक सीमलेस बैंकिंग एक्सपीरियंस देगा। तो मैडम, अब डाउनलोड कीजिए पीएनबी वन और इसके सुविधाओं का लाभ उठाइए।